हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग फिर से करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग 2011 में आपके जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसी को दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने 2009 का और 2010 का जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने करवा दिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों एक चीज आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप 2009 से लेकर के 2021 तक जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं खासकर के बिहार बोर्ड में, अगर आप सबको कर लेते हैं तो दोस्तों आपका 60-70% क्वेश्चन जो है यूं आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है बिहार बोर्ड में। अगर आप किसी अदर बोर्ड से हैं तो आप भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि दोस्तों आपके भी बोर्ड में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन का फटाफट आंसर कमेंट करना है। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत दोस्तों उसको रिवीजन करना है, ठीक है? तो आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी क्वेश्चन का। चलिए तो ये आज का आपका 2011 है, इसके बाद फिर 2012-13 सभी आएगा सीरियली बाय सीरियली। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। हमने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाया है कि त्रिपिटक साहित्य का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है, ठीक है? तो राइट आंसर आपके ऑप्शन पी हो जाएंगे। और एक चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि दोस्तों जैन धर्म से जो है वो श्वेतांबर और दिगंबर है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि जैन धर्म से कौन संबंधित है या फिर श्वेतांबर और दिगंबर किससे संबंध है, तो दोस्तों वो है जैन धर्म से, ठीक है? और अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि त्रिपिटक किससे संबंध है, तो दोस्तों वो है बौद्ध धर्म से। और एक यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि महायान और हीनयान, ध्यान रखिएगा, एक आपका महायान और एक आपका हीनयान, ये दोनों भी दोस्तों संबंध किससे, बौद्ध धर्म से। तो तीन क्वेश्चन यहाँ पर आपको याद रखना है, श्वेतांबर दिगंबर जैन धर्म से, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से, महायान और हीनयान बौद्ध धर्म से। दोनों चीज आपको, तीनों चीज आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 2। हमने ये भी क्वेश्चन आपको कई बार करवा चुके हैं, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था, 48 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 88 ईस्वी में, 98 ईस्वी में। तो हमने ये भी क्वेश्चन आपको कई बार करवा चुके हैं, बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे वो है दोस्तों 78 ईस्वी में, ठीक है? तो कनिष्क का जो राज्यारोहण है वो 78 ईस्वी में हुआ था, राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 3, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था, 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन या फिर 18 दिन। बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों वो है 18 दिन, ठीक है? महाभारत कौन सी भाषा में लिखी गई थी, वो है संस्कृत भाषा में, ठीक है? महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था, दोस्तों 18 दिनों तक, राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, यानी कि कौन सा अभिलेख है जहां पर कलिंग युद्ध के बारे में लिखा गया है, 10वां अभिलेख, 12वां अभिलेख, 13वां अभिलेख, 16वां अभिलेख। अभिलेख का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे कि अगर आपका इतिहास किताब है तो एक बुक है, उसी तरीके दोस्तों एक अभिलेख था, जैसे कि पहले के जमाने में सब कुछ लिखा हुआ था, जैसे कि बहुत सारे मिट्टी का बर्तन में, पत्थर में कोई कोई चीज जो है लिखा हुआ था, उसी को अभिलेख बोला जाता है, एक प्रकार का रिकॉर्ड होता है, ठीक है? तो दोस्तों इसका जो वर्णन कितने में किया गया, बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएंगे वह 13वां अभिलेख में, 13वां अभिलेख है। 4 का राइट आंसर आपके दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो अशोक के कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वह 13वां अभिलेख में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 5, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी। देखिए ये क्वेश्चन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपको यह समझना है कि चोलों की दोस्तों सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जो है वो उड़ थी। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, उड़ का मतलब सभा भी बोल सकते हैं, सभा, ठीक है? तो आपको राइट आंसर जो है ए लगाना है, उर। तो चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जो है वो क्या थी, उर थी दोस्तों, जिसको हम लोग सभा भी बोलते हैं। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 6, राज रंगिनी के लेखक कौन थे, पतंजलि थे, बाणभट्ट थे, विशाखदत्त थे या फिर कलहन थे। 6 के दोस्तों राइट आंसर आपके हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों वो है कलहन, ठीक है? राज रंगिनी का मतलब क्या होता है, राजाओं का नदी। राज रंगिनी का मतलब होता है राजाओं का नदी, राजाओं का नदी, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, राज रंगिनी का मतलब होता है राजाओं का नदी। और अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि इसके लेखक कौन थे, तो आपको सिंपली लगा देना है कलहन, ऑप्शन आपके डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई। हम लोग ये तो जानते हैं कि अर्थशास्त्र के जो रचनाकार है वो कौटिल्य है, ठीक है? ये कौन है, कौटिल्य है। लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थशास्त्र की रचना जो है वो कब हुई, 6वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में या फिर 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, फिर 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। दोस्तों इसके जो राइट आंसर आपको जाएंगे बिल्कुल हो जाएंगे वो है 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि ऑप्शन सी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र की जो रचना है वो 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर फटाफट देते जाइए, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने प्लीज उसको स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो खत्म होने के बाद उसको तुरंत रिवीजन कीजिएगा, तभी दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे और ये क्वेश्चन आपको दिमाग में बैठेगा, ठीक है? अब देखिए, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, पतंजलि के महाभाष्य से हमें कौन सी काल की जानकारी मिलती है, गुप्त काल की, मौर्य काल की, परामौर्य काल की या फिर इनमें से कोई नहीं। मौर्य काल का, मौर्य वंश का संबंध किससे था, मौर्य वंश का संबंध दोस्तों अशोक से था, ठीक है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको पूछा जाता है अशोक ने किसकी शुरुआत की, धम्म की शुरुआत की। ये सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। 8 के दोस्तों राइट आंसर आपको फटाफट कमेंट करना है, बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो है गुप्त काल की। तो दोस्तों पतंजलि के महाभाष्य से हमें जो जानकारी मिलती है वो गुप्त काल की मिलती है, राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का।
अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 9। कई बार हम आपको करवा चुके हैं पुराणों की संख्या ठीक कितनी है या फिर पुराणों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन चाहे जैसे भी पूछे आपको राइट आंसर लगा देना 18, ठीक है। तो दोस्तों पुराणों की संख्या जो वो कितनी है 18 है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 10। मौर्यकालीन जो कि टकसाल इसका जो प्रधान है वो कौन था। मौर्यकालीन टकसाल का जो प्रधान है वो कौन था। कोषाध्यक्ष था, मुद्राध्यक्ष था, पनियाध्यक्ष था या फिर लक्षणाध्यक्ष था। ध्यान के दोस्तों राइट आंसर आपके हो जाएंगे बिल्कुल हो जाएंगे वह लक्षणाध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन डी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो मौर्यकालीन टकसाल का जो प्रधान था वो कौन था दोस्तों, वो था लक्षणाध्यक्ष, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अल्बेरिनो भारत में किसके साथ आया था। आपने जानते हैं अल्बेरिनो को जो है बंदी बना के लेकर आया था। अल्बेरिनो के ऊपर किताब उल हिंद लिखा गया है, किताब उल हिंद ऊपर नहीं मतलब उसी ने लिखा है, ठीक है। पूछा जाता है कि अल्बेरिनो ने कौन सी किताब लिखी, किताब उल हिंद, इब्न बतूता ने कौन सा लिखा है रेहला, ठीक है, और कौटिल्य ने लिखा अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अल्बेरिनो भारत में किसके साथ आया था। कभी कभी आपको दे देगा गजनी, कभी कभी आपको दे देगा मोहम्मद गजनवी दे देगा। तो राइट आंसर जो 11 का दोस्तों बिल्कुल आपके हो जाएंगे वो है मोहम्मद गजनी, ऑप्शन आपके ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अल्बेरिनो जो है वो मोहम्मद गजनी के साथ आया था। कहां आया था, भारत आया था, ठीक है। अब देखिए भारत में आकर के उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी। यहां पर देखिए महिला शासक की बात हो रही है, ठीक है। चांदी बीबी, नूरजहां, रजिया सुल्तान या फिर मुमताज महल। तो यहाँ पर प्रथम और अंतिम ये दोनों के बारे में आपको पूछ रहा है। 12 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वह रजिया सुल्तान, ऑप्शन आपके सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक जो है वो रजिया सुल्तान थी। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था। फरिश्ता, बदायूनी या फिर मुल्ला दाऊद या फिर मोहम्मद खान। तो क्वेश्चन देखिए काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था। जी हाँ, इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों वह मोहम्मद खान, ऑप्शन आपके D13 का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 14। कई बार हम आपको करवा चुके हैं कि दोस्तों दीन इलाही जो संबंध है वो अकबर के साथ है, यानी कि अकबर ने जो है दीन इलाही शुरू किया था। दीन इलाही में क्या था दोस्तों, ये भी एक प्रकार का धर्म समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सभी धर्म से जो अच्छी बातें हैं उसी को लिया गया था और यहाँ पर सभी धर्म को आने की इजाजत थी, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी जितने भी धर्म थे सभी लोग यहाँ पर आते थे। जैसे कि अशोक का धर्म था, अशोक का धर्म था ना, वो भी कोई धर्म नहीं था, लेकिन उसको भी एक प्रकार का धर्म समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इंसानें सिखाई जाती थी, जितने भी धर्म से अच्छी बातें हैं उसको सिर्फ बताई जाती थी। तो अशोक का हो गया धर्म और अकबर का हो गया दीन इलाही। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 15। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था। हमने आपको कई बार बताया है, यहाँ पर कभी कभी पूछ देगा शुरू किया था, कभी कभी पूछ देगा किसने निर्माण करवाया, तो भी आपको राइट आंसर जो है कुतुबुद्दीन ऐबकी लगाना है। और अगर पूछेगा कि किसने निर्माण कार्य को पूरा किया तो आपको लगाना है इल्तुतमिश, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कुतुब मीनार का जो निर्माण है दोस्तों वो कुतुबुद्दीन ऐबक तो किया था, शुरू तो किया था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इल्तुतमिश जो है उसको पूरा करवाया, ठीक है। तो यहां पर जो आपके राइट आंसर 15 का ऑप्शन आपके ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 16। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। हम लोग जानते हैं इब्राहिम लोधी के साथ किसके साथ लड़ाई हुआ था दोस्तों, बाबर के साथ। तो ध्यान रखिएगा बाबर के बारे में आपको जब भी पूछा जाए तो बाबर की जो सबसे मतलब सबसे पहले यानी भारत की यानी कि पानीपत की जो पहली युद्ध है वो कब हुई थी, तो हम लोग जानते हैं 1526 में हुई थी, ठीक है। तो 1526 में जो पहली लड़ाई हुई थी, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो इब्राहिम लोधी और बाबर इन दोनों के बीच हुई थी। किसके बीच, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच जो पहली लड़ाई हुई थी उसको मतलब कि उसको बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, और दोस्तों 1526 में हुई थी। इसके बाद इब्राहिम लोधी का जो लोधी वंश था वो खत्म हो गया। तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक है वो इब्राहिम लोधी ही था। राइट आंसर आपके सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 17। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता था। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह जो है वो खास तौर पर जाना जाता था। बाजार नियंत्रण, भूमि सुधार व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, विधि नियंत्रण व्यवस्था। 17 के दोस्तों राइट आंसर आपके हो जाएंगे वह भूमि सुधार व्यवस्था, ऑप्शन आपके बी जो है 17 का राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 18। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की किसने। बेंटिंग ने, कार्नवालिस ने, वेलेस्ली ने, डलहौजी ने। तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, सहायक संधि की जो नीति है वो किसने कार्यान्वित की। 18 की दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है वेलेस्ली ने, ऑप्शन आपके 18 का राइट आंसर सी हो जाएंगे। कोई भी इधर उधर गलत नहीं लगाएगा, बी वगैरह नहीं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो सहायक संधि की जो नीति है वो किसने कार्यान्वित की, वेलेस्ली ने की। राइट आंसर 18 का सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 19। 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ, कब आरंभ हुआ। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमने आपको कई बार करवाया है, बिल्कुल राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों 10 मई को। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आपके 2011 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 का जो विद्रोह है वो कब शुरू हुआ, तो दोस्तों वो 10 मई को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 20।
1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? खिलाफत, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो हम लोग जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन की अगर बात करें तो ये आपका 1919 से लेकर के, ध्यान रखिएगा, 1919 से लेकर के 1924 के बीच हुआ था। किसने किया था दोस्तों? एक आपका था मुस्लिम लीग और एक था अली जिन्ना, ठीक है। ये असहयोग आंदोलन की अगर बात करें तो दोस्तों ये आपका 1920 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1920 में हुआ था। वहीं पे अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो दोस्तों ये 1930 में हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, डांडी हो गया, ये दोनों 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो जो है वो 1942 में हुआ था। तो सभी के बारे में आपको एक एक करके ध्यान में रखना है क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है उस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच भगत का सिद्धांत का संबंध था? लॉर्ड कर्जन से था, डलहौजी से था, लिट्टन से था, मिंटो से था। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हिच भगत का जो सिद्धांत का जो संबंध है वो किससे था। इसके राइट आंसर आपके जाएंगे दोस्तों वह डलहौजी से, ऑप्शन आपके बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो व्हिच भगत का जो सिद्धांत है वो डलहौजी से था, राइट आंसर आपके बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा था, किससे जुड़ा था? वॉरेन हेस्टिंग्स से, वेलेजली से, कार्नवालिस से, रिपन से। तो 22 के दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अक्सर बच्चे इन सारे क्वेश्चन में गलत कर जाते हैं। इसके राइट आंसर आपको जाएंगे कार्नवालिस से, ठीक है। तो दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त जो जुड़ा था वो किससे जुड़ा था? वो कार्नवालिस से जुड़ा था। 22 का राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा 7 बजे और 8:30 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, उन दोनों क्लास में आपको जुड़ना है, 7 बजे और 8:30 बजे, और ये क्लास जो आपकी 6 बजे होती है उसमें भी आपको जुड़ना है, ठीक है। 22 के अगर यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो आपके हो जाएंगे कार्नवालिस से। अब देखिए अगला प्रश्न, एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, देखिए यहाँ आपको देखिए यहाँ आपको 2-3 चीज ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त क्या होता है दोस्तों? अस्थाई बंदोबस्त को ही कहते हैं स्थमरारी बंदोबस्त, ठीक है। हमने आपको बताया था कि स्थमरारी बंदोबस्त का मतलब क्या होता है। स्थमरारी बंदोबस्त का मतलब दोस्तों सिंपली मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि एक ऐसा बंदोबस्त जिसमें अगर आपने कर्ज को जमा नहीं किया तो फिर दोस्तों आपका जो जमीन है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसको क्या कर दिया जाएगा? नीलाम कर दिया जाएगा। तो ये था आपका स्थमरारी बंदोबस्त, ठीक है। इसको जो शुरू करने वाला था वो कौन था? वो था कार्नवालिस। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि अस्थाई बंदोबस्त या फिर स्थमरारी बंदोबस्त जिसको लागू करने वाला कौन था, तो दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त हो गया और स्थमरारी बंदोबस्त हो गया, ये दोनों चीज एक ही है, और इसको लागू करने वाला कार्नवालिस था। कौन था? कार्नवालिस था। और कब किया था ये भी चीज आपको मालूम होना चाहिए, 1793 में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1793 में अस्थाई बंदोबस्त शुरू हुआ था, यानी कि स्थमरारी बंदोबस्त शुरू हुआ था। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सहायक संधि, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, तो दोस्तों सहायक संधि जो है वो वेलेजली से संबंधित था। किससे? वेलेजली से, ठीक है। आपको क्या लिखना है कि सहायक संधि जो है वो वेलेजली से संबंध है और ये जो अस्थाई बंदोबस्त है वो कार्नवालिस से। तो दोनों चीज आप लोग को ध्यान रखना है, हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वेलेजली से आपका क्या, जी हाँ, सहायक संधि, और वहीं पे अगर बात करने के कार्नवालिस से तो वो है आपका अस्थाई बंदोबस्त जिसको हम लोग बोलते हैं स्थमरारी बंदोबस्त। कब शुरू किया गया था? 1793 में। अब देखिए अगला प्रश्न, 23 नंबर क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तस भगत ने, दुबिया मोसाई ने, या फिर भगीरथ ने, या फिर सिंधु एवं कानू ने। 23 के राइट आंसर करें, हाँ बिल्कुल, इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे वह सिंधु एवं कानू ने, ठीक है। तो दोस्तों संताल विद्रोह का जो नेतृत्व है वह सिंधु और कानू किया था, राइट आंसर आपके डी हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो हमने आपको बताया गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। 24 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में दोस्तों आंसर गलत दिया हुआ रहता है, आपको राइट आंसर 1920 ही लगाना, ठीक है। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 ईस्वी में शुरू किया था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? ठीक है, आपको सिंपल आंसर लगाना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल। इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे 1947 में, 15 अगस्त 1947 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि वो जो है वो अंतरिम की सरकार, मैंने आपको बताया था अंतरिम की सरकार, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि वो अंतरिम की सरकार कब बने, तो आपको 1947 लगाना है, कब से कब तक, तो 1947 से लेकर के 1952 तक वो अंतरिम की सरकार रहे। और अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि वो चुना हुआ यानी कि लोकसभा संवैधानिक सरकार कब बने, तब आपको दोस्तों वहां पर राइट आंसर 1952 लगाना है। तो क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन पूछे संवैधानिक सरकार कब बने, संवैधानिक सरकार, तो आपको 1952 लगाना है, और अगर बोलते भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो आपको लगा देना है, मतलब कि कब बने थे, तो लगा देना 1947 में, ठीक है। और 47 से लेकर के 52 के बीच अंतरिम सरकार कहा जाता था क्योंकि उस समय जो है संविधान लागू नहीं हुआ था। अब देखिए उस समय दोस्तों यानी कि 2011 में जो है 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते थे, जैसे कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, फिर दोस्तों ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। तो सभी को आप लोग एक एक करके देख लीजिए, कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने का, फिर इससे जो इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों मैं आपको बनवाता भी हूं और आगे बनवाऊंगा भी, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है,
मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दे, यानी कि मौर्यकालीन के बारे में इतिहास के प्रमुख स्रोतों का हम लोगों को कैसे पता चला उसके बारे में स्रोतों का संक्षिप्त में यानी कि शॉर्ट नोट आपको लिखने के लिए कह रहा है। दूसरा, अशोक के धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अशोक के धर्म पर मैंने आपको बताया एक ऐसी धर्म भी कह सकते हैं इसको, ये जो अशोक के द्वारा शुरू की गई थी, इसमें दोस्तों सभी लोगों को आने की इजाजत थी, इसमें सिर्फ अच्छी बातें बताई जाती थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चार पांच पॉइंट लिख देना है क्योंकि दो नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गौतम बुद्ध के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें, यानी कि उसका जीवन कैसे बीता और वो क्या क्या उपदेश दिए, ठीक है, क्या क्या अच्छी बातें बताएं उसको आपको लिखना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न, बलबन की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। बलबन की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। मनसबदारी व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था एक था आपको, मैंने उसके बारे में भी बहुत अच्छे से आपको बताया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि अकबर की धार्मिक नीति की समीक्षा करें। अकबर की धार्मिक नीति की समीक्षा करें। अकबर के बारे में आपको पूरी चीज लिख देना है कि उसने दीनी इलाही की शुरुआत की, जहां पर भी सभी धर्म को आने का इजाजत था, और अकबर की धार्मिक नीति, अकबर जो बहुत अच्छे शासक थे, ठीक है, महान शासक कहा जाता है मुगल साम्राज्य का। तो इस तरीके से आपको 3-4 पॉइंट लिख देना है। अगला प्रश्न क्या है, स्वतंत्र आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए पिछले बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी पूछा हुआ है। तो आपको पूरे तरीके से सब कुछ लिख देना है कि 1917 में सबसे पहले चंपारण आंदोलन, फिर 1920 में असहयोग आंदोलन, फिर 1930 में जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, फिर बीच बीच में जेल भी गए 2 बार, ठीक है, दांडी यात्रा भी किए वो। तो इन सभी चीजों के बारे में, 1930 में दांडी यात्रा, तो इन सभी चीजों के बारे में दोस्तों आपको एक एक करके लिख देना गांधी जी के बारे में। वो से 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो पहले तो आपको छोटा ही लिखना है, ठीक है। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए जाए तो पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर आप दो पेज करके लिखेगा तो पेज आपका फुल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा भी लिख देंगे तो आपको एक एक करके मार्क्स जो है वो मिल जाएगा। ये चीज प्लीज मेरा ध्यान रखिएगा, आप लोग गांठ बांध दीजिए इस वर्ड को, ठीक है, कि आपको पहले लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद ही शॉर्ट क्वेश्चन को बनाना है, यानी कि दीर्घ को पहले बनाना है उसके बाद ही लघु को बनाना है। अब देखिए अगला प्रश्न, कांग्रेस में उग्रवादियों की भूमिका का परीक्षण करें। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमने आपको करवाया है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपके 11, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, तो अच्छा से देखिएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी एवं उपलब्धियों की विवेचना करें। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का वर्णन करें। प्लासी करें, प्लासी का मतलब क्या हो गया, तो प्लासी युद्ध हो गया ना, युद्ध के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। यहाँ पर हो जाएगा क्या कि प्लासी युद्ध की, ठीक है, या युद्ध नहीं होगा, ये प्लासी जो है आपका यहाँ पर होगा, तो प्लासी युद्ध के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें, ऐसे होगा, ठीक है। ये करे जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, एक करे आपका यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो प्लासी है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो प्लासी युद्ध के कारण और परिणाम, तो हम लोग जानते हैं सिराजुद्दौला के साथ पहली लड़ाई हुई थी, यानी कि अंग्रेजों की सबसे पहली लड़ाई, वो बंगाल के नवाब थे, क्या नाम था उसका, सिराजुद्दौला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लासी का युद्ध बोलते हैं, क्योंकि ये प्लासी नामक जगह पर हुआ था। और 2-3 चीज आपको लिख देना है कि कैसे कैसे उसकी हार हुई थी, हमने आपको बहुत अच्छे से चैप्टर में पढ़ा रखा है। अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 15, असहयोग आंदोलन की प्रकृति एवं परिणामों का वर्णन करें। तो असहयोग आंदोलन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी करवाया गया है, आप लोग जरूर अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा। इसमें से जो दोस्तों इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको आपको 100% करवा दूंगा, ठीक है। आपकी 6 बजे रोज क्लास होती है, सभी क्लास में जुड़ना है। जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों, एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर आप पहली बार आए तो, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे तरीके से तैयारी कराई जाती है। और एक बार आप जम करके सारे वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सारे दोस्तों को, ताकि वो भी जो दोस्तों इसका फायदा उठा पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।